क्वेरी आपकी? मैडम पीटीसी इंडिया के शेयर है मेरे पास 450, परचेज है 135 की। ओके, और लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हैं इसे? हाँ जी मैम। चलिए, तो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो भाव पर खरीदा था उस लेवल्स के आसपास नहीं है स्टॉक फिलहाल। आप देखिए 85 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए विकास, आपको सपोर्ट लेवल्स क्या दिख रहे हैं पीटीसी इंडिया पर, और इन लेवल से और ज्यादा गेन्स कितने आ सकते हैं? देखो ये अगर इसकी कॉस्ट प्राइस देखो तो ये लास्ट ईयर जो मार्च अप्रैल में जो कॉस्ट चल रही थी ऑलमोस्ट एक साल पहले की रेंज पे ये काउंटर आ चुका है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था 78 के ऊपर जैसे काउंटर निकला था वहां से एक पॉजिटिव रैली देखने मिली थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है 78 के आसपास का है, ऊपर में 92 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। जैसे ये काउंटर 92 के ऊपर अगर वापस ब्रेक करता है तो वहां पे एड ऑन करने की राय रहेगी, वहां पे एड ऑन करना चाहिए क्योंकि 92 के बाद ये वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है 120-130, एक आगे जाके एक पूरे साल भर में एक रेंज देखने मिल सकती है। तो इनको एवरेज करना है तो 92 का वेट कीजिए, जैसे वो ब्रेक देता है उसके ऊपर क्लोज होता है तो वहां पे एड ऑन करने की राय रहेगी। नीचे में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 78 के आसपास का है, अगर वो ब्रेक होता है तो ये काउंटर नीचे में 64-63 के रेंज में फिसल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रिट्रेस हुआ है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले पाएगा तो 78 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 92 जैसे ब्रेक करता है तो वहां से वापस 120-130 के रेंज में आएगा, तो 92 के ऊपर एवरेज करने की राय रहेगी।